हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि वन माइनस टेन ए मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस साइन टू ए इक्वल वन प्लस टेन ए का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले पहले हमें दिया हुआ है वन माइनस टेन एस टेन ए वन प्लस प्लस साइन साइन टू ए इक्वल्स इक्वल्स टू वन प्लस प्लस टेन ए। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम इस इक्वेशन में पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ही जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो पूरा कंपोनेंट है इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे उधर। तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन टू ए इक्वल्स टू वन प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए। और अभी ये जो फ्रैक्शन है इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो वन प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। तो ये हो जाएगा साइन ए बाय कोस ए, सिंपली नीचे वन माइनस टेन ए है तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन ए बाय कोस ए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर कोस ए एलसीएम आ जाएगा और सेकंड और ये नीचे कोस ए है। अब एलसीएम ले लेंगे, पहले तो एलसीएम आ जाएगा कोस ए और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कोस ए प्लस साइन ए। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही करेंगे तो नीचे बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। और अब ये जो कोस ए है और ये जो कोस ए है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए माइनस साइन ऑफ ए। और ये अभी राइट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में अभी हमारे पास वन प्लस साइन टू ए ऐसे ही पड़ा हुआ है ये वैल्यू, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी हमने सिंप्लीफाई करना है कोस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए माइनस साइन ए। तो अगर आपको कभी भी ऐसे दिया हुआ है इस फॉर्म में काइंड ऑफ दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोस बीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस बीटा और समथिंग लाइक दिस, इस फॉर्म में दिया है, बीटा भी नहीं मतलब सेम लाइक थीटा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने का जो बेस्ट तरीका होता है कि जो आपके डिनोमिनेटर है उसके अंदर आप जो साइन है, जो भी साइन है चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको फ्लिप करो और उस वैल्यू से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है साइन, जैसे यही केस दिया हुआ है, ये हमने सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी हुई है कोस ए माइनस साइन ए दिया हुआ है उसका साइन फ्लिप कर देंगे, मतलब माइनस की जगह प्लस कर देंगे, बाकी सेम रखेंगे कोस ए प्लस साइन ए, और ये वैल्यू को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, ये कोस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय
को से माइनस साइन ए है और इसको अभी मल्टीप्लाई करना है को से प्लस साइन ए, और इसी वैल्यू के साथ ही डिवाइड भी कर देंगे। तो अभी इसमें एडवांटेज क्या होगा कि ऊपर कोस ए प्लस साइन ए है और फिर कोस ए प्लस साइन ए है, मतलब कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। और नीचे क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए दोनों की मल्टीप्लिकेशन। और अभी एक मैथमेटिक्स में ये भी फॉर्मूला होता है कि अगर आपको ये दिया हुआ है ए माइनस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए कोस ए हो गया, बी साइन ए हो गया, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि कोस टू ए लिख सकते हैं। अब ये एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, बॉटम में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो कि ये फार्मूला, इसका प्रूफ दे सकते हो कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कोस टू ए क्यों होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई इजीली क्विकली सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। और एक बात और, अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको जो मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेज हैं, चाहे वो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है या कोस ए कोस बी का फॉर्मूला है या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है या टू ए वाले फॉर्मूलेज हैं जैसे साइन टू ए कोस टू ए टेन टू ए इस टाइप के, या थ्री ए वाले साइन थ्री ए कोस थ्री ए वाले फॉर्मूले हैं, वो सभी याद होने चाहिए। क्योंकि अगर कहीं पे भी आपको जैसे अभी यहाँ पे मुझे ये दिख गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अभी इसको डायरेक्टली मैंने कोस टू ए बना दिया। तो अगर आपको याद है ऑलरेडी कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस टू ए लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। तो अभी हमारे पास ये जगह ये वैल्यू हुआ क्या बन गया, कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कोस ऑफ टू ए। और अभी ये कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इस पे फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो सिमिलरली अभी ए की जगह कोसे लिख देंगे और बी की जगह साइन ए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कोसे। और अभी यहाँ पे अगेन एक वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, वो ये होगा कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो वन हो जाएगा, और टू साइन ए कोस ए ये होता है साइन टू ए। ये अगेन एक फॉर्मूले है, फॉर्मूलाइज ये हैं डायरेक्टली जो यूज़ किया यहाँ पे। तो जो हमने स्टार्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास कोस कोस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए माइनस साइन ए था। अभी हमने उसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया, वन प्लस साइन टू ए डिवाइडेड बाय कोस टू ए, और ऊपर हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ था वन प्लस, ये तो होगी थी राइट हैंड साइड, और ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में था वन प्लस साइन टू ए। तो इसका मतलब अभी हमारे पास जो इक्वेशन बन गया है वो ये है। ठीक है, और अभी इसको कैसे फर्दर सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे पहले, इसको इधर लेके आएंगे तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा, यानी कि वन प्लस साइन ऑफ टू ए माइनस वन प्लस साइन ऑफ टू ए
ओवर कोस टू ए इक्वल हो जाएगा 0 के। और अभी 1 प्लस साइन 2 ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा पूरा 1 माइनस, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 1 बाय कोस टू ए इक्वल हो गया 0 के। और अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 ए इंटू कोस 2a माइनस 1 और नीचे हो जाएगा कोस 2a जो कि इक्वल है 0 के। तो इसका मतलब यहाँ से दो तीन बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ तो ये वैल्यू यानी कि 1 प्लस साइन 2a 0 के इक्वल हो सकता है, या कोस 2a माइनस 1 0 के इक्वल हो सकता है, और ये जो कोस 2a है ये हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉन ज़ीरो नहीं हुआ तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी और इन्फिनिटी कभी ज़ीरो के इक्वल हो नहीं सकता, तो कोस 2a नॉन ज़ीरो होना चाहिए पहली बात तो ये। तो अभी हमारे पास तीन चीज़ें होगी, पहली बात ये होगी, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। इन दोनों में और की रिलेशनशिप है, मतलब इन दोनों में कोई भी पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ हमेशा एंड होनी चाहिए। तो मतलब जब जैसे सोल्यूशन आएगा हमारे पास जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 और जनरल सोल्यूशन ऑफ 2 एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ 3, मतलब ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू होनी चाहिए इन दोनों केसेस में। तो अभी इसको देखते हैं फर्दर। तो पहले 1 को सॉल्व कर लेते हैं जो कि है 1 प्लस साइन 2 ए इक्वल टू 0। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो साइन 2 ए 1 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और अभी साइन किस एंगल पे माइनस 1 का होता है, या फिर एक जनरल सॉल्यूशन होता है वही यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट, कि अगर आपको साइन थीटा माइनस 1 दिया हुआ है तो थीटा की जो जनरल वैल्यू है वो होती है 4n-1 पाई बाई 2, और जहाँ पे n इंटीजर से बिलोंग करता है। और ये भी एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में इसका भी एक लिंक दिया हुआ है आर्टिकल का, उसमें सारे ये डॉक्यूमेंट किए हुए हैं, मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप वहाँ से इसका इसको याद कर सकते हो। तो अगर अभी इस फॉर्मूले में थीटा की जगह हमें क्या चाहिए 2a, तो थीटा को 2a से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया पूरा, ये हो जाएगा साइन 2a इक्वल्स टू माइनस 1, और 2a इक्वल्स टू 4n-1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ए को अभी लिख सकते हैं 4n-1 पाई, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पे। तो ये हो गया सॉल्यूशन हमारा, जनरल सॉल्यूशन किसका, जो पहला पॉइंट था 1 प्लस साइन 2a इक्वल्स टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन हो गया वो हो गया a इक्वल 4n-1 पाई बाय 4, और जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये तो हो गया, अब सेकंड पॉइंट था हमारे पास ये वाला cos 2a-1 इक्वल टू 0, अब इसका निकालते हैं। भी दिया हुआ है हमारे पास कोस 2a-1 इक्वल टू 0, जिसको लिख सकते हैं कोस 2a इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर कोस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन है वो होगा 2n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर है।
तो थीटा की जगह अभी 2a लिख देंगे यहाँ पे, तो कोस ऑफ 2a इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 2n पाई, तो इसका मतलब a इक्वल टू n पाई, और सिमिलरली n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया। और एक थर्ड पॉइंट और था वहाँ पे कि तो अभी एक ही पॉइंट रह गया था उसमें डिस्कस करना कि कोस 2a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो जनरल सॉल्यूशन अगर कोस थीटा इक्वल टू 0 है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सिम यहाँ पे थीटा को 2a से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा कोस 2a इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जो a की वैल्यू वो हो जाएगी 2n+1 पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये होता है कि थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0, लेकिन अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ जाएगा। तो अभी जो हमने स्टार्ट किया था जनरल सॉल्यूशंस निकालना, 1+sin 2a इक्वल्स 0 से, और फिर निकालना कोस 2a-1 इक्वल टू 0, और फिर कोस 2a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी a इक्वल्स टू 4n-1 और साथ में पाई बाय 4। इस पे जो वैल्यू आई थी वो थी a इक्वल्स टू n पाई, और जो लास्ट था उसमें वैल्यू आई थी a नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 4। तो मैंने एक बात और डिस्कस की थी पहले ही स्टार्टिंग में कि इन दोनों के बीच में और आएगा और यहाँ पे एंड आएगा। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा फाइनल आंसर मतलब जनरल सॉल्यूशन किस इक्वेशन का, 1-tan a 1+sin 2a इक्वल्स टू 1+tan a का फाइनल जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा a इक्वल्स टू 4n-1 पाई बाय 4 और n पाई, एंड a नॉन इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 4, और इस पूरी इक्वेशन में n बिलोंग्स करता है इंटीजर। ये होगा फाइनल सॉल्यूशन 1-tan a 1+sin 2a और 1+tan a का। इस क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए मैंने कई सारे जनरल फॉर्मूलेज भी यूज़ किए हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने उसको एक वेब पेज में बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ही और वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। ना कि मेरे चैनल पर अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब आपको सिमिलर वीडियोज़ अदर चैनल से भी रिकमेंड कर देगा। तो बाय बाय।